ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका के दावों को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नकार दिया है। जानकारी के मुताबिक एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि ये कमरे स्थायी रूप से बंद नहीं हैं और इन्हें हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए खोला गया था। बताया गया कि हाल ही में हुए संरक्षण कार्य के तहत इन कमरों में 6 लाख रुपए भी खर्च हुए थे। आधिकारिक तौर पर इन बंद कमरों को सेल कहा जाता है और मकबरे में करीब 100 से ज्यादा सेल हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद किया गया है। इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात को भी खारिज किया गया है। अधिकारियों की माने तो अब तक समीक्षा किए गए कई रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स में मूर्तियों के होने की बात सामने नहीं आई है और इस क्षेत्र में मौजूद कई विश्व धरोहरों के कई हिस्से भी सालों से सुरक्षा कारणों के चलते जनता के लिए बंद किए गए हैं। बता दें कि अयोध्या निवासी रजनीश सिंह ने ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने और इस ऐतिहासिक इमारत में बने 22 कमरों को खुलवाने के आदेश का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में 1991 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ घोषित किए जाने की भी मांग की गई थी। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले जैसे इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।